क्या आप जानते हैं कि बिना कोडिंग सीखे अपना खुद का गेम बनाकर लाखों कमाना कितना आसान हो सकता है? जी हाँ, AI की पावर के साथ आप कुछ ही मिनटों में अपना एक शानदार गेम बना सकते हैं और उसे गूगल एडमॉब से मोनेटाइज करके पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ChatGPT की हेल्प से एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे आप अपना गेम बनाना और उससे पैसे कमाना दोनों सीख जाएंगे, वो भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। और सबसे खास बात, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी प्रो टिप दूंगा जिससे आपकी अर्निंग 10x हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए गेम क्रिएटर से गेम ओनर बनने तक की इस शानदार जर्नी में। लेट्स स्टार्ट। तो गेम क्रिएट करने से लेकर पैसे कमाने तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है एक यूनिक गेम आइडिया को फाइंड करना। सो इसके लिए आप आ सकते हैं प्ले स्टोर पर, यहाँ पर आपको बहुत सारे गेम आइडियाज मिल जाएंगे अपने गेम को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि मुझे एक ये गेम मिला, वाटर शूट पजल गेम करके इसका नेम है, और इसके और डिफरेंट गेम्स पर मैंने देखा तो मिलियंस ऑफ डाउनलोडर्स हैं, मतलब इस गेम पर अच्छी ऑडियंस है और इस गेम को हम रिक्रिएट करके और उस पर इंस्टॉलर्स लाके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है जिसमें हमें अपनी गेम आइडिया को सिलेक्ट करना है। अब सेकेंड स्टेप पर चलते हैं जिसमें हम इस गेम को क्रिएट करेंगे विद इन हेल्प ऑफ ChatGPT। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे ब्राउजर और आ जाएंगे ChatGPT की वेबसाइट पर। अब हमें अपने गेम को क्रिएट करने के लिए एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट चाहिए होगा जिसके थ्रू हम अपने गेम को क्रिएट कर पाएंगे, और यहाँ पर हम गेम क्रिएट करने के लिए HTML, CSS एंड JavaScript का यूज़ करेंगे। टेंशन की बात नहीं है, आपको कोडिंग की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपको उन्हें फॉलो करना है। सो इसके लिए परफेक्ट प्रॉम्प्ट चाहिए होगा जो कि मैंने इस गेम के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। इस गेम का लॉजिक कैसे काम करता है, कैसे वो गेम वर्क करता है, उसका एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है। सो यहाँ पर इसे सिंपली कॉपी करेंगे और GPT की वेबसाइट पर आकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही सेंड करेंगे तो हमारे लिए HTML, CSS एंड JavaScript कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। सो हम यहाँ पर कोड जनरेट हो जाने देते हैं। सो हमारा फर्स्ट कोड जनरेट हो गया है HTML का, इसके बाद CSS हो रहा है जनरेट। तो हमारी तीन कोड फाइल्स जनरेट हो गई हैं। अब हमें वापस से होम स्क्रीन पर आना है और एक न्यू फोल्डर को क्रिएट कर लेना है जिसका नेम हम देंगे गेम। अब इसे किसी भी कोड एडिटर पर आपको ओपन कर लेना है, मैं यहाँ पर VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक न्यू HTML फाइल। सो इसके लिए टाइप करेंगे index.html। अब हमें GPT की वेबसाइट पर आना है और जो हमारा HTML का फर्स्ट कोड है यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब आप इसे अपनी VS कोड पर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ऐसे ही हमें CSS की एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लेना है जिसका नेम यहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक है इसके साथ। अब यहाँ पर हमें एक और फाइल को क्रिएट करना है जिससे हमारे गेम का लॉजिक क्रिएट होगा, या बैकएंड भी कहते हैं। ये पेस्ट कर दिया और हमारी तीनों फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। अब ऐसे ही हमें ChatGPT से कोड यहाँ से कॉपी करना है और अपने VS कोड पर पेस्ट करते जाना है। यहाँ पर मैं CSS का कोड पेस्ट कर देता हूँ और ऐसे ही हमें JavaScript का भी कर देना है। अब इसके बाद यहाँ रन पर आना और यहाँ रन डीबगिंग पर क्लिक करना जिससे कि हम अपने गेम का आउटपुट देख पाएंगे। तो अभी हमारी गेम कुछ इस तरह दिख रही है, ये वर्किंग है शायद, हाँ ये वर्किंग है, बट इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही बेसिक है। सो इसे हम ChatGPT की हेल्प से इन्हेंस कर सकते हैं जिसके लिए हमें सेकेंड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होगी और साथ में लेवल एल्गोरिथम को भी क्रिएट करेंगे जिससे कि हमारी गेम और भी इंगेजिंग बनेगी और लोग खेलने में इंटरेस्टेड रहेंगे। और साथ में इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप साउंड इफेक्ट्स और इस पर बैकग्राउंड म्यूजिक का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल पे मैंने एक लेवल यहाँ पर कम्प्लीट किया बट नेक्स्ट लेवल ओपन नहीं हुआ बिकॉज इस पर अभी लेवल एल्गोरिथम को क्रिएट नहीं किया है। सो इस गेम का लेवल एल्गोरिथम क्रिएट करने के लिए आपको सेकंड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी और सभी प्रॉम्प्ट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। इस पर मैंने 30 लेवल का लेवल एल्गोरिथम क्रिएट किया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर और भी बढ़ा सकते हैं, 50-100 जितने भी आप अपने गेम पर लेवल क्रिएट कराना चाहते हैं यहाँ पर टाइप करके कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं इसकी वैल्यू, और जितने क्रिएट करना चाहें उतने लेवल क्रिएट कर सकते हैं।
इसके बाद हम वापस से GPT की वेबसाइट पर आएंगे। GPT की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर सिंपली उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे, जिससे कि हमारे गेम पर लेवल एल्गोरिथम एंड हमारा गेम इन्हेंस हो जाएगा, और साथ ही हमारे गेम पर यूज़र इंटरफेस इन्हेंस होने के साथ साथ कलर एनिमेशंस एफेक्ट ग्लो इफेक्ट और भी बहुत कुछ ऐड हो जाएगा। बाकी चाहे आप इस पर और साउंड इफेक्ट्स भी GPT पर प्रॉम्प्ट देकर ऐड करा सकते हैं, और उन्हें आप वेबसाइट या किसी जगह से डाउनलोड करके अपने इस गेम पर अप्लाई कर सकते। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल बताए गए हैं, कितने लेवल का एल्गोरिथम क्रिएट हुआ है, आप चाहे तो और भी पढ़ा सकते हैं। सो हमारे यहाँ पर बैकएंड कोड जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे सिंपली आपको अपने उस कोड पर अप्लाई कर लेना है और हमारे गेम पर लेवल एल्गोरिथम क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको सिंगल कोड दे मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा आपको कोड, तो यहाँ पर सिंपली इसे पहले तो स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पर सिंपली आपको ChatGPT टाइप कर देना है गिव मी फुल कोड, जिससे कि आपको ChatGPT अगेन सिर्फ फुल कोड जनरेट करके दे देगी। जैसे ही हम सेंड करेंगे, ChatGPT अगेन से HTML, CSS एंड JavaScript कोड जनरेट करना स्टार्ट करेगी, और साथ में हमारे गेम भी एनहेंस हो जाएगा और उसका लेबल एल्गोरिथम भी रेडी हो जाएगा। सो हम इसे जनरेट हो जाने देते हैं और मैं आपको अब डायरेक्ट आउटपुट दिखाता हूँ। तो अब हमारी गेम कुछ इस तरह दिख रही है और इस गेम पर अब लेवल्स भी क्रिएट हो गए हैं और बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस बन गया है। अब इसे चाहे आप और इन्हेंस कर सकते हैं और इस पर और भी फीचर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ChatGPT पर प्रॉम्प्ट टाइप करके। सो यहाँ पर मैंने साउंड इफेक्ट भी ऐड किया है, बट कॉपीराइटिंग के कारण मैं यहाँ पर नहीं सुना सकता। तो एक बार आप टेस्ट कर लेना, मैं इस गेम का सोर्स कोड आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लेवल 2 कंप्लीट कर लिए हैं और थर्ड लेवल पर रिडायरेक्ट कर दिया है। इसके बाद जितने भी आप लेवल कंप्लीट करते जाएंगे, न्यू लेवल पर रिडायरेक्ट होते जाएंगे। मैंने यहाँ पर 30 लेवल क्रिएट किए हुए हैं। इसके बाद अगर इस गेम को 30 लेवल के बाद खेला जाएगा तो ये फर्स्ट लेवल पर आ जाएगा। तो अब हमारा गेम पूरी तरीके से रेडी है, अब इसे एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर HTML, CSS एंड JavaScript कोड को एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर देख लेना। सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद हम यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लोकल HTML वेबसाइट। इसके बाद हम अपने गेम का नेम देंगे। सो हमारी गेम का नेम है, ये रहा वाटर शूट पजल गेम, यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम अपने गेम का पैकेज नेम देंगे। सो मैं यहाँ पर इसका मिडिल नेम गेम एंड यहाँ पर मैं अपने चैनल का नेम दे देता हूँ। इसके बाद चाहे तो आप वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। इसके बाद ऑटो रोटेट पोर्ट्रेट लैंडस्केप, हमारा गेम पोर्ट्रेट में है सो पोर्ट्रेट सिलेक्ट करेंगे। आउटपुट हम यहाँ पर डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे, जब हमारी APK फाइल बिल्ड होगी तो हमारे डेस्कटॉप पर आएगी। इसके बाद ऐप अबाउट, बट इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा गेम फुल स्क्रीन पर रन होगा। बाकी यहाँ पर कोई गेम्स आपकी शेयर करे तो क्या टेक्स्ट आना चाहिए यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और ऐप से जब कोई एग्जिट करे तो यहाँ पर क्या मैसेज शो हो वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, बट यही रहने दूंगा मैं डिफ़ॉल्ट। इसके बाद हम अपनी गेम की सोर्स कोड फाइल को सिलेक्ट करना है, जो हमने ये गेम का फोल्डर क्रिएट किया था इसे हमें सिलेक्ट करना है। सो हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, यहाँ से गेम के फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, ये हमने सिलेक्ट कर दिया। मेक श्योर आपकी HTML फाइल का नेम index.html ही होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद हम आएंगे यहाँ कैशी मोड पर और यहाँ हाईली कैशीड सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज इससे हमारे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, मतलब हमारा गेम थोड़ा जल्दी लोड होगा अगर कैशी क्रिएट हो जाएगी तो। इसके बाद हमें अपनी गेम की कुछ परमिशन को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कैमरे की, वाइब्रेट रखना चाहे तो रख सकते हैं, बाकी आपको ये दोनों स्टोरेज की परमिशन की ज़रूरत होगी। इसके बाद हम यहाँ पर साइड पर आएंगे, ये कुछ ऑप्शन है, यहाँ सपोर्ट जूम को ऑफ कर देंगे और यहाँ टेक्स्ट सिलेक्शंस को ऑफ कर देंगे, फुल स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ JavaScript API को सिलेक्ट रहने देंगे, और यहाँ लास्ट नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे यहाँ लास्ट में, यहाँ पर आपको शो टूल बार ऑप्शन टिक नहीं रहना चाहिए, इससे आपके
गेम पर हेडर शो नहीं होगा, फुल स्क्रीन में रन होगा। तो मेक श्योर आप कर लें। इतना कर देने के बाद हमें यहाँ पर अपने गेम का आइकन सेलेक्ट करना है। सो मैंने एक ऑलरेडी अपने गेम का आइकन डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये रहा वो आइकन, यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सो हमने अपने गेम का आइकन सेलेक्ट कर लिया है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप में, जिसमें हम अपने गेम को मोनेटाइज करेंगे। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गूगल एडमॉब का, जिसके थ्रू हमारी अर्निंग होगी। सो इसके लिए हम ओपन कर लेंगे ब्राउज़र को और सर्च करेंगे एडमॉब। इसके लिए आ जाएंगे हम एडमॉब की वेबसाइट पर। इसकी जगह पे आप कोई और एड नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, बट ये मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस पर हाई CPM एड्स रन होते हैं और ये गूगल का प्रोडक्ट है। सो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और इस पर अप्रूवल मिलना भी बहुत आसान है। वैसे और भी ऐसे ऐड नेटवर्क हैं, लाइक यूनिटी है, और एडमॉप में आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने यूजर्स पर कितनी अर्निंग कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर कॉन्टिनेंट एशिया सेलेक्ट करेंगे, डिवाइस एंड्रॉयड, और अपने कैटेगरी हम यहाँ पर गेम सेलेक्ट करेंगे, कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। सो हम यहाँ पर मंथली अगर 50,000 यूजर्स अपने गेम पर लाते हैं तो $653 की अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप और ज़्यादा यूज़र्स लाएंगे तो और भी ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। सो हम अब सबसे पहले एडमॉप में अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे, अपने अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट एडमॉप में एग्जिस्ट करता है। अगर बनाना नहीं आता तो आप YouTube पर देख सकते हैं, 5 मिनट का काम है गूगल एडमॉप के अकाउंट को क्रिएट करने का। सो यहाँ पर हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी। गूगल एडमॉप का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। एड ऐप्स पर क्लिक करना, यहाँ से हम प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपने ऐप को प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अपने ऐप का नेम यहाँ पर टाइप करेंगे, एड ऐप पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी ऐप का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। अब हमें अपने इस ऐप पर एड्स को अप्लाई करना है, जिसके थ्रू हमारी अर्निंग होगी। इसके लिए वापस से वेबसाइट टू APK बिल्डर सॉफ्टवेयर पर आएंगे और यहाँ एडमॉब मोनेटाइजेशन को इनेबल करेंगे, और यहाँ से हमें बैनर एंड इंट्रीशियल ID को यहाँ पर अप्लाई करना है, जिससे कि हमारी गेम पर बैनर और इंट्रीशियल एड रन होंगे। सो यहाँ पर सबको इनेबल कर देंगे और इसके बाद शो एड्स इट्स ऐप लॉन्च, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। मतलब जब भी हमारी स्क्रीन को कोई ओपन करे तो ऐड शो हों। इसे चाहे ऑफ भी कर सकते हैं, आप बीच में भी एड्स को रख सकते हैं। सो आप पे डिपेंड करता है, जैसे भी आप एड्स चलाना चाहते हैं अपने गेम पर। सो यहाँ पर हमें अपनी बैनर ID को अप्लाई करना है। इसके लिए वापस से आ जाएंगे हम एडमॉब की वेबसाइट पर और यहाँ ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम बैनर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपने ऐड का नेम देंगे। सो मैं यहाँ पर ad1 इसका नेम दे देता हूँ। क्रिएट ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारी यूनिट ID जनरेट होकर आ जाएगी, कॉपी करेंगे और यहाँ बैनर ID पर आकर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद वापस से हम ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ इंट्रीशियल को सिलेक्ट करेंगे और इसका नेम हम ad2 देंगे, और इसके बाद क्रिएट ऐड यूनिट ID पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से यूनिट ID को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इंट्रीशियल ID पर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। ऐड सप्लाई कर देने के बाद आप चाहे तो अपने गेम पर पुश नोटिफिकेशन भी लगा सकते हैं, बट इसके लिए आपको फायरबेस की नीड होगी। सो यहाँ पर इसे स्किप कर सकते हैं। नेविगेशन ड्रॉल नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर कलर कस्टमाइज कर सकते हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज हमारा गेम फुल स्क्रीन पर रन होगा तो हेडर शो नहीं करेगा। इसके बाद हमें डायरेक्ट बिल्ड एंड्रॉयड APK पर क्लिक कर देना है। सो हमारी APK फाइल बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाएगा, डिपेंड योर सिस्टम स्पीड। जब तक हमारी APK फाइल बिल्ड हो रही है, जब तक मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, जिससे कि आप इस गेम से और भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आप इस गेम को मल्टी जगह पर आप पब्लिश कर सकते हैं, लाइक APK प्योर अप टू डाउन वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, और भी ऐसी स्टोर्स हैं जिन पर इंस्टॉलर्स लाकर आप
और इस पर चाहे तो आप और भी एड्स को अप्लाई कर सकते हैं, इसे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो हमारी एपीके फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है, ये रही एपीके फाइल। अब इसे हम अपने डिवाइस पर डाल के देखेंगे। अभी इस गेम पर हमारे ऐड रन नहीं होंगे बिकॉज गूगल एडमॉब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका गेम किसी स्टोर पर पब्लिश होना चाहिए। सो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टोर्स बता देता हूँ। तो यहाँ ऐप सेटिंग्स पर क्लिक करना और यहाँ ऐप स्टोर डिटेल्स पर क्लिक करना, ऐड पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको किसी एक स्टोर में या आपके अमेजोन ऐप स्टोर, वीवो ऐप स्टोर, ओप्पो स्टोर, सामी स्टोर, जिस भी स्टोर पर आप अपने ऐप को पब्लिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वैसे अगर आपको प्ले स्टोर पर पब्लिश करना है तो इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। उसके अकाउंट को बाय करने के लिए, डेवलपर अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ चार्जेस पड़ता है। बट अगर आप फ्री में अपने ऐप को पब्लिश करके अर्निंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अमेजॉन ऐप स्टोर, वीवो ऐप स्टोर और शाओमी ऐप स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं। इन पर आप फ्री में पब्लिश करके अपने ऐप पर एड्स को रन करा उससे अर्निंग कर सकते हैं। इंस्टॉलर्स लाने की बात रही तो आप इंस्टॉलर्स के लिए बहुत से रास्ते हैं। आप फेसबुक पेज, सोशल मीडिया के थ्रू अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपने गेम पर इंस्टॉलर्स ला सकते हैं। बस आपका गेम आइडिया बहुत यूनिक होना चाहिए। लाइक ये यूनिक तो नहीं था बट मुझे आपको समझाना था कि कैसे आप गेम क्रिएट कर सकते हैं एआई के थ्रू और उसे मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। सो अपनी गेम पर यूनिट आईडी अप्लाई कर देने के बाद आपको किसी एक ऐप स्टोर पर अपने ऐप को पब्लिश कर देना है। इसके लिए मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप अमेजोन ऐप स्टोर पर करें बिकॉज उस पर बहुत जल्दी आपका ऐप पब्लिश हो जाता है और आपकी ऐप पर जल्दी ही एड रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमारा रिक्वेस्ट रिव्यू पर गेम है। जब यहाँ पर रेडी लिखकर आ जाएगा, इंप्रेशंस का कहने का मतलब मेरा, आपकी गेम पर एड्स रन होना स्टार्ट हो जाएंगे जिसके थ्रू आपको अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इस तरह से आप चैट जीपीटी की हेल्प से अपना गेम क्रिएट कर सकते हैं और साथ में गूगल एडमॉब से मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।